चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। इसमें हम सबसे पहले वीटी ग्राफ की हेल्प से एटी ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। माना हमें किसी मोशन के लिए कुछ इस तरह का वीटी ग्राफ दिया है और हमें इसके लिए एटी ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम 0 से 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो 0 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी 0 से 8 मीटर पर सेकंड हो रही है और ये 2 सेकंड्स के अंदर हो रही है, तो हम इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 8 - 0 / 2 - 0 विच इज इक्वल टू +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 से 7 सेकंड्स के लिए हम वेलोसिटी में देख सकते हैं कोई चेंज नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। अब 7 से 10 सेकंड्स तक वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से -4 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो हम इसके लिए एक्सेलरेशन लिख सकते हैं -4 - 8 / 10 - 7। दिस इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डिटेल्स को हम इस प्रकार से ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। 0 से 2 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन रहेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 से 7 सेकंड्स के लिए इट विल बी 0 एंड 7 से 10 सेकंड्स तक इट विल बी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हम एक्सेलरेशन की अलग अलग डायरेक्शन के लिए वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यदि वी एंड ए दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा। यदि वी पॉजिटिव है एंड ए नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यदि वी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एंड यदि वी नेगेटिव एंड ए भी नेगेटिव हो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हम अलग अलग एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करके इनके लिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। यदि एक एक्सटी ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता हो तो हम इसके एक पॉइंट पे टैंजेंट निकालें तो ये टैंजेंट हमें dx/dt यानी वेलोसिटी दिखाता है। अब इसके एक और पॉइंट पर थोड़े से आगे टाइम पर हम एक और टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप भी हम देखते हैं थोड़ा सा बढ़ गया है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि dx/dt यानी स्लोप जो है, जो कि वेलोसिटी के इक्वल है, वो चेंज हो रहा है और वो बढ़ रहा है। दैट मींस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है एंड इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। अब हम एक और एक्सटी ग्राफ देखते हैं जो कि इस प्रकार से है। अब इस एक्सटी ग्राफ के एक पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें वापस वेलोसिटी दिखाएगा। एक थोड़े से आगे टाइम पर हम एक और टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम के साथ जो टैंजेंट का स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है। अब क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर एक एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। दैट मींस dx/dt इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0।